हिमाचल में इस बार एप्पल था ही नहीं और ऊपर से कश्मीर में भी बहुत कम है भाई, और एक पेटी ना 1000 प्लस है भाई। और भाई बारिश चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा है। और अपनी गाड़ी में ना यहाँ वाइपर से पानी आ रहा है, देख रहे वाइपर चल रहा है ना, तो सारा पानी आके यहाँ डैश पर गिर रहा है। यहाँ पे मैंने रुमाल वगैरह रख दिया क्योंकि गाइस स्विचेस में पानी वगैरह ना चला जाए। देख रहे हो साजिद भाई वहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक हम दोनों भाई ने मुँह वगैरह नहीं धोया क्योंकि भाई सुबह ना हम दार रोड पहुँचे थे 7 बजे और सो के फिर 11 बजे उठे वहाँ से। तो प्लीज़ भाई जो जो भाई दार रोड से देख रहे हैं ना, दो भाई सुबह आए थे लेकिन भाई हम बहुत ज़्यादा नींद में थे। देखो भाई बंदा पूरी रात चल के ना फिर नींद बहुत ज़्यादा, हम 10-15 मिनट ही हुए सोए हुए। साजिद भाई ने बोला कि राजा भाई दो बंदे आए थे उनको बोला हम बाद में आना। भाई सॉरी यार अगर आप वीडियो देख रहे हो दिल से सॉरी, आप नहीं बोलना कि भाई ऐसा मतलब बिहेव कर रहे थे, मिल नहीं रहा या कुछ भी ऐसा कुछ सीन नहीं था भाई, आप समझ सकते हो ना पूरी रात गाड़ी चलाना और ऊपर से ना फिर नींद पूरी करना। तो गाइस चलो यहाँ से निकलते हैं भाई सीधा अपने कश्मीरी होटल पर रुकते हैं, वहाँ रुक के खाना वगैरह खाएंगे एकदम नहा धो के फ्रेश होके ना फिर यहाँ से निकले। गाइस दिन के 2:30 बज चुके हैं भाई और सुबह से भाई कुछ भी नहीं खाया। सुबह 4 बजे हमने चाय पी थी वो भी सरमोली में उधमपुर से पहले, तो भाई अभी तक कुछ नहीं खाया। मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अभी देख रहे हैं को अच्छा सा ढाबा आ जाए क्योंकि गाइस अपना खाना वगैरह बनाया नहीं। और देख रहे हो साजिद भाई भी भूख से मर गया भाई बंदा आज। और गाइस बाहर बारिश चेक कर रहे हैं, हालत देख रहे हो भाई गाड़ी की, आज ना अपनी गाड़ी के व्हील का बहुत ज़्यादा गंदे थे। चलो इतना हो गया कि भाई वो बिल्कुल साफ हो गए, तो कंटिन्यू चल रहे भाई अपना सफ़र रह गया बटाले का 10-15 किलोमीटर। बटाला पार करके कहीं अच्छा सा ढाबा वगैरह देखते हैं, वहाँ खाना वगैरह खाएंगे दोनों भाई क्योंकि मेरा भाई है ना वो आज पहला दिन है ना यार, और दिन के 2:30 बज चुके हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया भाई और मुझे टाइम का ना पता भी नहीं चला क्योंकि गाइस बारिश थी ना और मौसम भी ऊपर से ना बहुत ज़्यादा चिल है भाई। तो भाई अपना अमृतसर का सफर रह गया 40 किलोमीटर, हो एक जगह आकर रुक गया और गाइस अपना लंच वगैरह भी कर लिया करके अपनी गाड़ी के ना टायर में जो हवा है ना वो बिल्कुल बराबर करवानी है। अपने भाई की शॉप पे आ गए, यहाँ भाई 1 साल पहले भी मैं आया था और अभी देख रहे हो फिर से टायर वगैरह देख रहे हो, ये वाला टायर ना बिल्कुल इसमें भी हवा कम है ऐसा लग रहा है या गाड़ी टेढ़ी लगी हुई ऐसा कुछ है, आगे वाले टायर में तो बिल्कुल हवा कम ही कम है भाई। तो चलो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है क्या नहीं, पहले टायर में हवा वगैरह चेक करवा लेते हैं, हवा वगैरह चेक करके फिर यहाँ से निकलेंगे क्योंकि गाइस हवा के बिना ना टायर वगैरह ख़त्म हो जाएगा भाई। तो चलो देखते हैं भाई क्या सीन है, देखो कि नहीं है करो 160 है शायद अगली। तो गाइस चलो पहले हवा वगैरह फुल करवा लेते हैं भाई, हवा वगैरह चेक करवा के फिर यहाँ से निकलेंगे क्योंकि गाइस आज ना मौसम बिल्कुल चिल है और भाई नींद है मुझे बहुत ज़्यादा लेकिन नींद नहीं करेंगे आज ना, कंटिन्यू चलेंगे भाई और यही मतलब रखेंगे कोशिश क्योंकि गाइस आपका भाई ना अकेला है आज, अकेला राइड करेगा पूरे इंदौर की। सो गाइस दिन के 4 बजने वाले हैं भाई और अपनी गाड़ी की हवा वगैरह हमने चेक करवा ली भाई और नींद ना भाई दिमाग में बहुत ज़्यादा। अब सोच रहा हूँ भाई चलना तो चलना है क्योंकि डब्बा वाली पार करके राजस्थान में जाके सो जाएंगे 2-3 घंटे फिर निकलेंगे। और गाइस यहाँ देख रहे अपने भाई की गाड़ी और अपने भाई हैं यहाँ से मिल रहे हैं, क्या क्या नाम है आपका? मोनू सिंह जी। मोनू भाई आपका? विक्की। विक्की भाई साजिद भाई की तरह घूमने आए, भाई का अपना काम है हेयर ड्रेसिंग का, तो अच्छा लगा भाई आपका काम अच्छा है, कसम से इस काम से अच्छा है बस 100%। इन्हें घूमना सी गया कहना मैं घूम के आना, इन्हें रास्ता घुमा के लेके आए पर इन्हें हुन पता लगदा भी ट्रकां दे उपर किन्ना औखा रहना लगा पता है ट्रक वाले कैसे मतलब औखे रहते हैं। हाँ तो भाई यही चीज़ है, देखो ट्रक वालों की लाइफ ना इजी नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अपने भाई से अपना मिलना आज था मंजूर तो तभी मैं यहाँ रुक गया, शायद रब की तरफ से ये सीधा था। देखो मैं यहाँ रुका गाड़ी के टायर वगैरह चेक करवा ले तो तब तक भाई आ गए, चलो भाई से मिल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अपना थोड़ा बहुत सफ़र अभी साथ है 50-60 किलोमीटर नहीं ज़्यादा है ना। तो भाई निकल चुका है यहाँ से और आगे रास्ते में जाके कहीं रुकेंगे भाई, चाय वगैरह चाय पीनी है ना, चाय वगैरह पियेंगे अपने भाइयों के साथ। गाइस मेरी यही ट्राई रहती है, देखो जो अपना भाई आता है ना उसके साथ अच्छे से बैठ के चाय, भाई भाई ज़िंदगी 4 दिन की है, साथ कुछ लेके नहीं जाना भाई, ये यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम सब दुनिया पर ही रह जाएंगे और हम ऐसे ही चले जाएंगे भाई इस दुनिया से। अपने भाई साथ साथ आ रहे देख रहे हो, मतलब क्या बोलूँ मैं भाई, जब भाई मुझे मिला ना कसम से बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा भाई, मतलब भाई बोल रहा था राजा भाई मेरा ये
मतलब ख्वाहिश थी आपसे मिलना और आज फाइनली हम मिल चुके भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। देखो भाई मैं भी यही ट्राई करता हूँ हर एक भाई से मिलो, और यार है भाई की गाड़ी देख रहे हो, कैंटर गाड़ी जैसे होती है भाई, ये वाली गाड़ी है ना आजकल मतलब बहुत ज़्यादा कमा रही है भाई, 10 टायरी से ज़्यादा ही कमा रही है सच बोलो तो, जो कैंटर गाड़ी है ना वो सबसे बेस्ट गाड़ी है। तो भाई चलो आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे सीजन के बाद, अगर आप लोगों की सपोर्ट आप लोगों का प्यार रहा तो आप लोग मुझे सजेस्ट दो कि भाई 14 टायरी लेनी चाहिए या कैंटर गाड़ी लेनी चाहिए, वो आप लोगों के हाथ है भाई, आप ही बोलोगे। सो गाइस फाइनली भाई पहुंच चुके हैं अमृतसर, और यहाँ देख रहे हो गाइस फ्लाईओवर का काम चल रहा है, मेन हाईवे का काम चल रहा है भाई। ये वाली जगह ना यहाँ आके ना बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है भाई, जब भी मैं आता हूँ ना बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, देख रहे हो कंटिन्यू चल रहा हूँ गाइस, और पता नहीं यार ये वाला फ्लाईओवर कब कम्प्लीट होगा भाई। जब ये कम्प्लीट हो जाएगा ना तब हमें कोई दिक्कत कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी भाई। तो अमृतसर से अभी थोड़ा आगे जाएंगे 20-30 किलोमीटर, और वहाँ से भाई अपने हो जाएंगे अलग, जो सब्सक्राइबर भाई आगे के चल रहे हैं उनकी गाड़ी हो जाएगी अलग। और गाइस ऐसा सीन है भाई, भाइयों के साथ बैठ के ना एक कप चाय बनती है भाई, क्योंकि भाइयों ने 2-3 जगह होटल में ब्रेक लगाई लेकिन हमने बोला भाई आगे चलो आगे पियेंगे। तो गाइस छोटू मेरे ही घर पे भाई, उसकी एडमिशन वगैरह की बात चल रही थी, और उसके बाद ना छोटू आएगा मेरे पास ही आएगा, मेरे साथ ही रहेगा भाई, कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है, उनकी फुल सपोर्ट है, उन्होंने इतने कमेंट किए भाई छोटू को ले आओ। तो फाइनली छोटू वापस आएगा। और भाई एक और बात बोलो, जब वो अपने घर चला गया था ना भाई, वो किसी का घास वगैरह काट रहा था, कसम से वो चीज़ देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा भाई, बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार। तो गाइस दिखा देते हैं भाई, ये रही वो गाड़ी जो अपने साथ जाएगी, गाड़ी है 12 टायरी और रीलेंट गाड़ी। तो भाई के साथ भी कोई छोटा सा बच्चा ही है भाई, दिखा देते हैं, बच्चा छोटा सा ना मुझे पहचान कर रहे भाई। देखो गाड़ी अपनी रिजक रोटी है भाई, इसको अच्छे से रखे साफ रखे भाई। देखो मुझे अपने पे कम खर्चा होगा ना भाई, मुझे चलेगा, अगर भूखा भी रह जाऊंगा 10 दिन तो भी चलेगा, बट अपनी गाड़ी में ना कोई काम नहीं रहना चाहिए। देखना भाई ये ना ऊपर देखना भाई, आज ये वाला टाइम भी रहा भाई, गाड़ी के छत में बंदे बैठे हुए देख रहे हो, आपकी साइड बैठते हैं, हमारी साइड तो कोई नहीं बैठता भाई, अपने भाई के साथ साथ ही चल रहे भाई, उसको आगे रख दिया क्योंकि भाई वो बंदा ना कभी गाड़ी खींच रहा है कभी स्लो कर रहा है, कुछ रिस्क वगैरह नहीं लेंगे। कहीं पहुंचेंगे ना तो वहाँ ड्रैग रेस हो जाएगी, लीलैंड वर्सेस टाटा। आज लीलैंड पहले BS6 vs BS4 की थी, आज लीलैंड वर्सेस टाटा रेस करेंगे भाई, देखते हैं कौन जीतता है, किसमें ज़्यादा दम है। वो भी सीधे ट्रैक पे, अगर सीधा ट्रैक देखेगा दूर तक कोई गाड़ी वाड़ी या कोई ऐसे डेंजर जोन वगैरह कुछ नहीं होगा तो वहाँ करेंगे ड्रैग रेस। काफ़ी भैया को कमेंट आ रहे थे ना उस दिन राजा भाई, BS6 टाटा vs BS4 टाटा, तो आपने कर ली ड्रैग रेस, आप कर लो लीलैंड वर्सेस टाटा। तो भाई चलो प्लेन पे लीलैंड को देख लेंगे, ये नहीं है कि हमें पता है चढ़ाई पे मतलब लीलैंड गाड़ी है ना वो नहीं चढ़ सकती, लेकिन सीधे पे मैंने सुना है बहुत ज़्यादा भागती है, तो चलो आप सीधे पे ही ड्रैग रेस वगैरह कर लेंगे कभी ना कभी। कंटिन्यू चल रहे हैं, अभी बठिंडा वगैरह पार कर लिया भाई, अभी डब्बा वाली हम पहुंचने वाले हैं। हमने डिनर वगैरह नहीं किया क्योंकि भाई नींद आ जाती है, और आपको पता भी है आज रात ना चलना बहुत जरूरी है, और भाई मैं यही चाहता हूं कि आधा राजस्थान पार हो जाए, क्योंकि गाइस आधे आरटीओ कट जाए ना, एक दो आरटीओ पड़ ही जाएगा तो हमारी हाइट वाइट कुछ नहीं है, 100-200 रुपये खर्चा आ जाएगा वो झेल लेंगे। और आपको पता भी है भाई आज ना उधर से बड़ा ना इधर से, वैसे रिस्क लेके मैं आगे हूँ, आप देखते हो सब रब के हाथ में क्या होता है क्या नहीं। अरे तो यहाँ बैठे हुए एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो रील्स वगैरह शूट कर रहे हैं भाई, तो रील्स वगैरह भी शूट होंगी भाई, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। और सॉरी काफ़ी भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहा था भाई, रील्स वगैरह क्यों नहीं डालते आप, इंस्टाग्राम पे फोकस क्यों नहीं करते भाई, वो भी करेंगे जल्दी जल्दी, थोड़ी कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही है भाई, वो सॉल्व हो जाए। तो चलो देखते हैं भाई, चल के कहीं रुकते हैं। और गाइस जो गाड़ी में बोल रहा था अपनी कश्मीर की, वो गाड़ी कश्मीर की है लेकिन बंदे हैं इंदौर के जिन्होंने खरीदी हुई है वो गाड़ी, अपनी J&K नंबर पासिंग ना इंदौर में भी चल रही है भाई, देख रहे हो। मुझे अच्छा लगा यार, भाई ने बोला कि भाई हमें शौक था J&K नंबर गाड़ी एक रखें, और कभी कभी भाई यहाँ से केला भर के जाते हैं, और आज भी भाई पुलवामा से एप्पल भर के आए हैं। तो चलो भाई से भी मिलाएंगे, बताएंगे भाई कौन है कहाँ रहते हैं जो भी है सब बताएंगे। तो चलते हैं कहीं, चल के रुकते हैं भाई और डिनर वगैरह करते हैं, आप देखते हैं कितना टाइम हम कंटिन्यू चल सकते हैं, जितनी कैपेसिटी रही उतना चलेंगे, क्योंकि भाई भाई को पहले भी मैंने बोला वो भी नहीं रात को सोई, मैं भी नहीं सोया, साजिद भाई भी नहीं सोए। तो भाई ने बोला राजा भाई जहाँ नींद आएगी मैं अगर मुझे आई मैं आपको बोल दूंगा, या आपको आई मुझे बोल देना वहीं सो जाएगा। तो चल चुके हैं भाई एक पंप है अपने पंजाब में ही, अभी हम इंटर हो जाएंगे हरियाणा में, उससे पहले भाई मैंने सोचा यहाँ डीजल वगैरह दोबारा से फुल करवा लेते हैं, और गाइस आज देखते हैं ना एवरेज कितनी आ रही है कितनी नहीं,
और गाइस यहाँ देख रहे हो प्यारा सा डॉग घूम रहा है। ओ चल बाघ गाड़ी के नीचे आ जाएगा बाघ। यहाँ रहे अपने जाहिद भाई। जाहिद भाई मैंने सोचा था कश्मीरी भाई या कोई जा रहा है आगे। जाहिद भाई जे एंड के वाली गाड़ी क्यों ली क्या सोचकर? शोक शोक दिखते हैं फुल करवा रहे हैं भाई। और यहाँ रेट है 88.23 हमारे ना 83 है मतलब 83 और मतलब 8-5 रुपये का फ़र्क है। 5 रुपये का फ़र्क है भाई। और अगर यहाँ से अगर आगे के जितना चाहेंगे ना इतना ज़्यादा महंगा तेल मिलेगा भाई। देख रहा आज गाड़ियों में बचत वगैरह कुछ है ही नहीं और ये प्राइस ना ज़्यादा से जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। जब मैंने अपनी गाड़ी ली थी ना तब 65 रुपीज़ था। जब मैंने गाड़ी ली थी 66-65 और भाई आज देखो ना क्या हालत है। तब रेट भी बहुत अच्छे थे आज रेट भी डाउन है। और भाई कहीं होटल पर चलते हैं खाना वगैरह खा लेते हैं क्योंकि अपने साथ ना भाई भाई आया हुआ है वो बोलेगा राजा भाई के साथ घूमने आया भाई और हालत ही ख़राब होगी भूख से। देखो भाई हमें तो आदत है भाई भूखे रहने की मतलब हमें ये होता है कि अगर खाना वाना खाएंगे तो नींद वगैरह आ जाएगी। तो चलो देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं। भाई छोटू भी वहाँ से है उसको भी उठाएंगे। जैसे भाई हमें तो आदत है लेकिन ये भूखा रह जाएगा ऐसे ही। चलो देखते हैं कितने का आ रहा है। सुबह के 4 बज चुके हैं भाई और हम पहुँच चुके हैं रावत सर अपने टाटा के वर्कशॉप में। और भाई देख रहे हो अपने भाई यहाँ पे आ गए। टाटा वालों का दिल से शुक्रिया भाई जो सुबह शाम 24 घंटे सर्विस अवेलेबल यूरिया के लिए। भाई देखो अब ऐसे अगर यूरिया मिलता रहेगा ना गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बाहर से नहीं डलवाया अपने भाई के पास। पहले भी मैं इनसे मिल के गया हूँ काफ़ी टाइम तो फिर मुझे पता था यहीं पर फिर फुल करवा लेते हैं। अब यूरिया का टैंक करो फुल भाई ठीक है। यूरिया का टैंक करवाते हैं फुल भाई और देखते हैं अपने लिए क्या ऑफर है क्या डिस्काउंट है। आएँगे फिर कभी गैराज में भी चक्कर मारेंगे क्योंकि यहाँ भाई से बात होकर रखी थी अपने पंजाब वाले एक भाई। उन्होंने बोला था कि राजा भाई आप आना आपकी गाड़ी के चक्के मैं ही करूँगा भाई। तो चलो देखते हैं क्या सीन रहता है। अब वापसी पे देखेंगे भाई क्योंकि वापसी पे कच्चा माल होता है रुकने होता ही नहीं है। तो नेक्स्ट ट्रिप से नेक्स्ट ट्रिप देखेंगे भाई कहीं ना कहीं। तो पहले यूरिया करवाते हैं फुल और गाइस क्योंकि गाड़ी गारंटी में है ना और यूरिया में अगर कोई दिक्कत हो जाएगी गाइस करते साथों साथ इस व्लॉग को ये एंड क्योंकि गाइस आज रात के 4 बजे व्लॉग एंड कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच प्यार देने। तो गाइस मिलते साथ साथ कंटिन्यू व्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय टेक केयर।